सुबह खाली पेट खाएं पपीता, नसों में चिपका कोलेस्ट्रॉल और आंतों की गंदगी होगी दूर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं पपीते के बारे में बहुत सारी जानकारी लेके आई हूँ जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। पेट में आंत की समस्या हो या लीवर की, पपीते के नियमित सेवन से पेट की गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। पपीते के पौधे इतने गुणकारी होते हैं कि इनकी पत्तियां, जड़, तना, बीज सब का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर के लिए काफ़ी लाभ ले सकते हैं। पपीता में ऐसे जानते हैं, चलिए आगे जानते हैं कि पपीते में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। पपीता कैलोरी में कम होता है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, यही वजह है कि यह वजन कम करने में भी मददगार होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखता है। फल खाने से सेहत को बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन पपीता एक ऐसा फल है जो स्वाद और पोषण दोनों में सबसे ऊपर होता है, दोनों में भरपूर होता है। इसमें कैलोरी कम होती है, फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यही वजह है कि ये वज़न को भी कम करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये नियंत्रित रखता है, पाचन तंत्र को जो है मजबूत बनाता है, और जो इसके गुण होते हैं वो मल त्याग को सुचारू बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। ये पेट की सूजन, पेट खराब और कब्ज जैसे पाचन विकारों को दूर रखने में काफ़ी मदद करता है। तो पपीते को आप ज़रूर सेवन करें। इसका छिलका हटा के इसके साफ अंदर से साफ करके इसको अच्छे से छोटे पीस कट करके आपको सुबह सुबह बासी मुँह ले लेना है। पपीता विटामिन ए और सी के गुणों से भरपूर होता है, ये बीमारियों और संक्रमणों को दूर रखने में मदद करता है। तो खाली पेट पपीते का सेवन आप ज़रूर करें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जिनका पेट सही नहीं रहता है उन लोगों को रोज़ाना पपीता खाना बहुत ज़रूरी होता है। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और भोजन को तेज़ी से पचाने में मदद करता है। पपीते में पपाइन नामक एंजाइम होता है जो भोजन को तेज़ी से तोड़ने में मदद करता है। और इसके अलावा पपीता एक ऐसा फल है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कब्ज के जो मरीज होते हैं उनको कब्ज को जड़ से ख़त्म करने में मदद करती है। पपीता फाइबर, पोटेशियम और विटामिन से भरपूर होता है जो हृदय रोगों को दूर रखता है। हृदय के जैसे रोगी होते हैं उनको पोटेशियम की अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है, तो पपीता जो है उसको लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। पपीते में ऐसे गुण होते हैं जो कि त्वचा को चमकदार और मोटा चिकना बनाता है और त्वचा को लूज नहीं होने देता। पपीते का आप डेली सेवन करते हैं तो आपकी त्वचा जो है बहुत ही निखरी हुई लगेगी, आपको उम्र से कम दिखने में मदद देता है। सुबह खाली पेट पपीता खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार रहता है। अधिक लाभ लेने के लिए जैसे कि पने पके हुए दलिया में काट कर डाल दीजिए या कि कोई स्वीट बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, तो इसका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जैसे भी आप खा सकते हैं उस तरह से आप इसे यूज कीजिए। इसमें कैंसर विरोधी गुण पाया जाता है जो कि कोशिकाओं को नुकसान से बचाने और कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है, तो इसलिए आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और जितना पपीता हमने कट करके रखा है ये देखिए, इतना पपीता आप सुबह अगर खाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे कमेंट आया कि पपीता गर्म होता है, मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो पपीता गर्म तो होता है लेकिन शरीर की काफ़ी जैसे कि प्रेगनेंसी में नहीं खाना है, इसको सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं खाना है, पीरियड के टाइम नहीं खाना है। बाकी इस तरह से गर्म होता है, ये गर्म अलग होता है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है। बाकी नॉर्मल लोग इसे खा सकते हैं, लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, बड़े, छोटे बच्चे को नहीं देना है, तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए।